बैरिस्टर बाबू की कल के एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे जब बोंदिता और बिहारी बाबू बात कर रही होती है, तब बिहारी बाबू बोंदिता से कहती है मुझे अपना पुराने वाला बैरिस्टर बाबू लौटा दीजिए। तब जब बात करते हुए जा रही है तब उनकी हाथ से एक चिट्ठी पड़ जाती है। उस चिट्ठी बोंदिता उठा लेती है और उसमें लिखा होती है कोई बाईजंती नाम की लड़की अनिरुद्ध से लिखा पढ़ा सीखने के लिए जाना चाहती थी, पर किसी वजह से 15 दिन के लिए वो जा नहीं पाएगा। और ये सुनने के बाद बोंदिता बारी जाती है। बारी जाने के बाद बोंदिता की कोई काम में मन नहीं लगता। तब उसकी फ्लैशबैक में छोटी बोंदिता आती है। छोटी बोंदिता कहती है तुम्हें शाखा बाबू से प्यार हो गया है और इसलिए तुम्हें कोई काम में मन नहीं लग रहा है। और फिर बोंदिता बारिश में डांस भी करती है और डिसीजन लेता है कल अनिरुद्ध से मिलने जाएगा, वो भी वैजयंती बनके, क्योंकि अनिरुद्ध ने अब तक उसे नहीं देखा और 15 दिन में वो अनिरुद्ध की मन की बात समझ लेगा। तो अपकमिंग एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, देखना मत भूलिएगा बैरिस्टर बाबू ओनली ऑन कलर्स टीवी। और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।